नेहा लो चाय पी लो, ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो जल्दी बाहर आ जाओ। अरे बेटा ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। यार पापा क्या प्रॉब्लम है, चैन से सोने भी नहीं देते। हाँ जाओ मैं पी लूंगी। रवि बेटा रवि जल्दी उठो। अरे बेटा कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। अरे यार उठ जाऊंगा। अरे बेटा कॉलेज जाने में देर हो जाएगी और देखो चाय भी ठंडी हो रही है, जल्दी पी लो। अरे यार क्या प्रॉब्लम है आपकी, चैन से सोने भी नहीं देते। पी लूंगा मैं, जाओ आप। नेहा बेटा कहीं जा रही हो क्या? हाँ मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, आने में थोड़ी लेट हो जाएगी। अरे कम से कम बताकर तो जाओ, कहाँ जा रही हो, कौन से फ्रेंड के साथ जा रही हो? यार पापा मैं कहीं भी जाऊँ मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, और आपको हर चीज बताना जरूरी तो नहीं। पर बेटा प्लीज। हेलो रवि बेटा कहीं जा रहे हो क्या? हाँ मरने जा रहा हूँ, चलोगे? यार आपने हजार बार कह रखा है कि मुझे पीछे से मत टोका करो, लेकिन नहीं, इतनी सी बात समझ में नहीं आती आपके। दिन भर यहाँ बैठे रहोगे खाते रहोगे, बैठे रहोगे खाते रहोगे। बेटा मैं तो बस एक गिलास पानी मांग रहा था। अरे तो कितनी दूर है किचन, खुद ले लेते। पानी मांग रहा था। बापू की कॉल आ रही पड़ी। हेलो हेलो बेटा रवि कहाँ हो बेटा? यार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको बोला था ना कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूँ, पढ़ाई करनी है मुझे। नहीं बेटा मैं तो बस ये पूछा तुमने कुछ खाया? यार मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, जब भूख लगेगी खा लूंगा। नहीं बेटा। हाँ बस फोन रखो। यार रवि तेरा बाप ना तेरे पिछवाड़े में हर वक्त उंगली करके रखता है। कम बोल। दीदी यार कॉलेज से कॉल आई थी, फीस सबमिट करनी है वो भी कल। सुन लो। क्या है? फीस सबमिट करनी है, पैसे चाहिए। पैसे चाहिए तो मैं कहाँ से दूँ? देख जितनी भी सैलरी आती है सब घर में चली जाती है, घर के खर्चे तो चल नहीं रहे, और तुझे फीस के लिए पैसे दूँ मैं तो? यार किससे मांगू मैं? जाकर पापा से मांग। उनसे? वो खुद तो बेटी की कमाई पर जी रहे हैं, कुछ काम धंधा नहीं है उन पर, पूरे दिन यहाँ बैठे रहते हैं। कुछ करो ना। मैं कुछ नहीं कर सकती, जा मेरा दिमाग मत खराब कर। मरने जा रहा हूँ, चलोगे?
मैं कहीं भी जाऊं, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ और आपको हर चीज बताना जरूरी तो नहीं। पर बेटा वो खुद तो बेटी की कमाई पर जी रहे हैं। इसके पैसे तो आपको आपकी डेथ के बाद ही मिलेंगे। हेलो मैम, मैं LIC की तरफ से आया हूँ, मुझे मिस्टर रवि से मिलना है। चाहिए। मिस्टर रवि, शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारे पापा का एक अच्छा फ्रेंड हूँ और उनका LIC एजेंट हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। LIC? दीदी, पापा के नाम कोई LIC पॉलिसी थी? पर उन्होंने तो हमें इस बारे में कुछ बताया नहीं। कुछ नहीं पता? मतलब वो तो कुछ दिन पहले ही मेरे ऑफिस आए थे। रवि, कम से कम तुम्हें तो ये नहीं करना चाहिए था यार। तुम्हारे पापा थे वो, मेरे हिसाब से उनकी मौत के जिम्मेदार बस तुम दोनों हो। मिस्टर रवि, ये लीजिए आपका 10 लाख का चेक। मिस्टर रवि, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए प्लीज। मेरे माफ करने से क्या होगा रवि, अब रोने से क्या फायदा, अब तो वो बेचारा चला गया। हम उनसे तो माफी नहीं मांग सकते, हम रोने थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी। जीते जी, जीते जी उन्हें बहुत मारा, बहुत दुख दिया उनको, और आज मरने के बाद वो अपने पाप होने का फर्ज पूरा कर गए हैं। खैर, थैंक यू मिस्टर रवि, अब मैं चलता हूँ।